सुबह सुबह नहा धो के निकल चुके हैं अगली सुबह की ओर। चलते हैं, हम रेडी हो चुके हैं गोपालपुर और इस रूम को छोड़ के और एक मंजिल की ओर जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं श्री माँ बालाकुमारी, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है और कैसा है बालाकुमारी। टमाटर पके भाई, टमाटर पके तो हाँ पके तो thank you।
लोग देख सकते हो हम आके पहुंच चुके हैं माँ का बालकुमारी टेम्पल में, बालकुमारी मंदिर में हम आके पहुंच चुके हैं। अभी हम ऊपर चलने वाले हैं, देखते हैं ऊपर क्या है, ऊपर कैसा है। बहुत ऊंची खड़ी चढ़ाई है पहाड़ के ऊपर। आप गाड़ी लेके आ सकते हो, फोर व्हीलर टू व्हीलर यहाँ पर पार्किंग है। टू व्हीलर का 10 रुपया, फोर व्हीलर का शायद 40 या 50 रुपया होगा। अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं ऊपर में क्या है। ऊपर पे है मंदिर, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। उस रास्ते पे हम आए थे, आप देख सकते हो कितने छोटी छोटी लग रही है सब कुछ। यहाँ का व्यू शानदार है यार, पूरा पहाड़ और जंगल से भरा हुआ है। आप देख सकते हो वो गाड़ियाँ जा रहा है, कितने छोटे छोटे लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा शार्प टर्निंग है भी आप देख सकते हो। Thank you.
हम लोग अभी बालाकुमारी मंदिर से निकल रहे हैं, उसके बाद हम सोनपुर सी बीच जा रहे हैं। वहाँ फर्स्ट कोर आपको दिखाते हैं सोनपुर सी बीच कैसा है, क्या है। यहाँ ऊपर आना है में और नीचे जाना है बहुत तकलीफ है। यहाँ पर मिनिमम 150-200 सीढ़ियाँ हैं। हम तो नीचे आ चुके हैं और थोड़ी रास्ता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, मंदिर कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑल करना, क्योंकि हमारा सब वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं जल्दी से जल्दी। मिलते हैं सोनपुर बीच में, हम अभी सोनपुर बीच जा रहे हैं। मिलते हैं फिर एक ब्लॉग में। जय हिंद। यहाँ नीचे पर और एक छोटा सा मंदिर है और इसके पास एक बड़ा सा शिवलिंग है, बड़ा सा पत्थर का एक शिव जी का मूर्ति यहाँ पर बना है। आप देख सकते हो वो हो बालाकुमारी मंदिर वो ऊंचाई पे। हम गए थे ऊपर, अभी नीचे आए हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव जी का अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सोनपुर सी बीच, वहाँ पर देखते हैं क्या क्या है और क्या कैसा है सोनपुर सी बीच। गोपालपुर बीच में इतना भी खास नहीं है, हमारा खाने पीने का अरेंजमेंट थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, बहुत ढूंढने के बाद अच्छा खाना भी नहीं मिला हमको। और सी बीच को छोड़ो, सी बीच में पका हुआ खाना सिर्फ मिल रहा था सी बीच में और कुछ भी नहीं था, वो मटर मूंग मोड़ी मिक्सर के जैसा और कुछ भी नहीं था गोपालपुर सी बीच में। शाम के टाइम बहुत ही इरीटेटिंग हुए हैं और अच्छा सा होटल भी नहीं था। हम एक होटल में रुके, 1300 रुपये लिया पर एसी का रिमोट वो लग गया। बहुत बुरा रहा है गोपालपुर सी बीच, मैं तो वापस कभी भी नहीं आऊँगा गोपालपुर सी बीच। अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं सोनपुर सी बीच में। बहुत ऊंचाई पे ये मंदिर है, ऊपर पहुंचने के बाद व्यू तो बहुत खूबसूरत आ रहा है ऊपर पहुंचने पर। पकड़ को बहुत खड़ी चढ़ाई है, नहीं कुछ में नहीं। Yeah.
जा रहा हूँ। ब्रेक छोड़ दिया तो 100 बार बच जाएगा।
सोनपुर आके हम पहुंच तो गए, पर इतना अच्छा ये बीच नहीं है। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, सिर्फ मूढ़ी और मिक्सर है, दाल मूढ़ी मिक्सर ये सब खाने के लिए मिलता है। कोई होटल नहीं है रुकने के लिए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतना डेवलप नहीं है ये एरिया, काम चल रहा है। अंदर बैठने के लिए 25 रुपये दे के टिकट काट के अंदर घूम सकते हो। वहाँ पर भी इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए घूमने के लिए है। सी बीच तो आप देख सकते हो, इतना छोटा सी बीच है। यहाँ पर सिर्फ पीने के लिए और खाने के लिए इतना ही, मोड़ी मिक्सर कोल्ड ड्रिंक्स इतना, और यहाँ पर कुछ खास नहीं है। 20 रुपये टिकट है यहाँ पार्किंग की। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है बोले तो चलते हैं। नहाने के लिए समुद्र है, पर शौचालय यहाँ पे नहीं है। शौचालय का काम चल रहा है पर बना नहीं है ठीक से। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और एक फ्रेश ब्लॉग में। अभी निकल रहे हैं, देखते हैं अगली सफ़र कहाँ जाने वाले हैं।